थाना सेंधवा शहर पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अलग अलग प्रकरणों में 12,000 रुपए की कीमत की करीबन 40 लीटर शराब जब्त की है। सेंधवा शहर पुलिस ने वर्ष 2022 में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 154 प्रकरण पंजीबद्ध कर करीबन 2000 लीटर शराब जब्त की थी। इस वर्ष 2023 में भी अभी तक अवैध शराब के खिलाफ 64 प्रकरण पंजीबद्ध कर करीबन 700 लीटर शराब जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक महोदय पुनीत गहलोत ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी सेंधवा शहर निरीक्षक राजेश यादव को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति किराना दुकानों पर अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी पुनीत गहलोत के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय आरडी प्रजापति एवं एसडीओपी महोदय कमल सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना सेंधवा शहर की अलग अलग पुलिस टीम तैयार कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और पुलिस की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नए बस स्टैंड पानी की टंकी के पास से अवैध शराब लेकर बेचने हेतु खड़ा है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल रवाना होकर उसने व्यक्ति को देखा और पुलिस को देखकर वह भागने लगा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कालू पिता कल सिंह भील उम्र 26 साल निवासी ईट भट्टे का पास सेधवा का होना बताया है। तलाशी लेने पे उसके कब्जे से अवैध रूप से 12 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जिसकी कीमत 720 रुपए मिली है। इसी प्रकार दूसरी पुलिस टीम को देवगिरी कॉलोनी में किराना दुकान में अवैध शराब बेचने की सूचना प्राप्त हुई और वहां से उन्हें 20 बियर की कीमत 3,000 रुपए, कांच की 6 बियर बॉटल जिसकी कीमत 1,200 रुपए है, कुल 13 लीटर 900 मिलीलीटर लीटर शराब जिसकी कीमत 4,200 रुपए है जब्त कर ली गई है। सर, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई, सर क्या मामला है? सर देखिए, ये एसपी श्री पुनीत गहलोत सर के सभी थाना परिवारों को निर्देश है कि जहां भी अवैध शराब बिकती है उस पर कार्रवाई करें। अभी कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि देवझरी रानी कॉलोनी और निवाली रोड पर जो किराना दुकान है वहां पे भी कुछ लोग शराब बेच रहे हैं दुकान से। उस सूचना पर एक टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा इन क्षेत्र की करीब 25 से 30 किराना दुकान चेक की गई और चेकिंग के दौरान ऐसी 3 दुकानें थी जिन पर शराब अंग्रेजी और देसी शराब बिकना पाई गई थी। उस आधार पर हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था, इसमें राजा सिंह, गणपत और कालू भी, इन तीनों को पकड़ा है और इनके दुकान से शराब बेचते हुए पाया गया, जो इनके खिलाफ अलग अलग 3 प्रकरण आपका एक्ट के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं और कुल लगभग 12,000 रुपये की शराब जब्त हुई है। 47 लीटर के करीब शराब है जिसमें अंग्रेजी बियर और अंग्रेजी शराब, विस्की और देसी मदिरा शामिल है और इस प्रकार से जो भी अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं इनके खिलाफ सेंधवा शहर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।